वेल नमस्कार, मैं अस्तित्व गुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। आज हम आपसे मिल आपको आप सभी को मिलवाने वाले हैं अभिषेक जी से, जो कि बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं और बहुत समय पहले से हम लोग कोशिश कर रहे हैं मिलने की। एक्चुअली ये आउट ऑफ स्टेट रहते हैं, यूपी से बाहर रहते हैं, एंड आज कहीं जा करके बाय फेस टू फेस हम लोग का इंट्रोडक्शन हो पाया है। सो अभिषेक जी मिलिए हमारी ऑडियंस से। हेलो, दिस इज अभिषेक कुमार और मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ और ये हमारे दोस्त हैं। काफ़ी टाइम से हम लोग मिलना चाह रहे थे लेकिन मिलना नहीं हो पा रहा था, तो ये काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं यूट्यूब पे और इनके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो काफ़ी अच्छी चीज़ें मैंने सुनने को मिली है। सो ये हमारा पहला पॉडकास्ट है और आप सभी लोगों से यही उम्मीद करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऑब्वियसली हम थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि अपना बेहतर आप सभी लोगों को दे सकें। तो मेरे कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि आप बताइए, क्या उनके जवाब दे सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल, मैं जवाब देने के लिए ही बैठा हुआ हूँ यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले आप डिस्क्राइब करिए क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर बिल्कुल आसान इजी भाषा में समझे तो हम अपने थॉट्स के थ्रू, अपने इमोशंस के थ्रू अपना भविष्य बनाते हैं, अपना फ्यूचर बनाते हैं। और कई बार ऐसा आपके साथ हुआ होगा कि आप किसी स्कूल फ्रेंड को या किसी पुराने किसी भी व्यक्ति को आप मिस कर रहे हो अचानक से और आप खुद ना कॉल करते हो बल्कि सामने से उसका कॉल आ जाता है, या कई बार वो तुम्हारे सामने आ जाता है, या कई बार आप कुछ काम करना चाह रहे हो और अचानक से आपके सामने अपॉर्चुनिटीज खुलनी शुरू हो जाती है और वो काम आपका अचानक से कंप्लीट हो जाता है, मतलब उसका रास्ता बनना तैयार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है, आप जिस भी चीज़ के बारे में सोच रहे हो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। इतनी सी आसान भाषा में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब यह है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर एक व्यक्ति के ऊपर काम, देखो हर एक व्यक्ति के ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल मतलब आप समझते ही हैं, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यार, अब कोई दूसरा बंदा है वो पढ़ा लिखा नहीं और वो कह रहा है हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मानते ही नहीं है, हम नहीं मानते ऐसा कुछ होता है, तो क्या हवा में उड़ रहा है क्या? वो ग्रेविटी उसके लिए भी काम करेगी, समझ लो। कोई पिग है या कोई एनिमल है वो कह रहा है भाई हम तो पढ़ा अनपढ़ है, हम जानते नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में या ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में, हम जानते नहीं है, अभी उड़ने नहीं लगेगा, वो जमीन नहीं चलेगी, ग्रेविटी सभी के लिए काम करेगी। उसी तरह ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये हमेशा 24 घंटे काम करता रहता है। आप अच्छा सोचते हैं तो आपको अच्छी चीज़ें मिलती हैं, आप बुरा सोचते हैं तो आपको बुरी चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग के क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि सर गरीब व्यक्ति गरीब क्यों रहता है और अमीर व्यक्ति अमीर क्यों होता चला जाता है? तो कई बार आपका भी क्वेश्चन सेम था ये, कई बार अच्छा देखो इसमें माइंडसेट का खेल होता है। बहुत सारी बुक्स आजकल आ गई हैं, गेट रिच माइंडसेट, माइंडसेट पर बहुत सारी बुक्स हैं जो कि अपने माइंडसेट को चेंज करके वो सिखाती कैसे आप अमीर बन सकते हैं। तो सारा खेल इस खोपड़ी का है। गरीब व्यक्ति क्या होता है जरा समझना, गरीब व्यक्ति 24 घंटे क्या बोलता है? हमेशा मैं वीडियोस बताता हूँ, गरीब व्यक्ति 24 घंटे, काश मेरे पास पैसा होता, भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया है, हमारे पास पैसा ही नहीं है, हमारी जिंदगी गरीबी में बन रही है, वो क्या बोल रहा है मुझसे, अपने क्या सोच रहा है? पैसे के बारे में नहीं सोच रहा है, पैसे की कमी के बारे में सोच रहा है। समझने की कोशिश करना, वो पैसे की कमी के बारे में सोच रहा है और जिस भी चीज़ में फोकस करता है ना उसके जीवन में वही चीज़ें आकर्षित होना चालू हो जाती है। अमीर व्यक्ति क्या सोचता है? अमीर व्यक्ति सोचता है कि भाई हमारे पास तो पैसा भरा पड़ा है और पैसा कैसे कमाएं, वो 24 घंटे अपनी वेल्थ को बढ़ाने के बारे में सोचता है और क्या क्या कर सकते हैं, तो वो पैसे की अबंडेंस के बारे में सोच रहा है, पैसे की प्रचुरता के बारे में सोच रहा है, इसलिए पैसे की प्रचुरता को, पैसे को और अपनी तरफ आकर्षित करता है। खेल सारा माइंडसेट का, खेल सारे थॉट्स का, कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे थॉट्स हमारे एक्शन के अकॉर्डिंग होने चाहिए, हमारे सकते कि हमारा माइंडसेट उस काम के अकॉर्डिंग होना चाहिए जो हम करना चाह रहे हैं या फिर बनना चाह रहे हैं। देखो हम आपको एक आसान भाषा में समझाते हैं, फॉर एग्जांपल आप बहुत बड़ी लोरी में बैठे हो, लोरी आप जानते हो, आप बहुत बड़े ट्रक में बैठे हो, ठीक है, इतना बड़ा ट्रक है, ट्रक छोड़ दो आप ट्रेन में बैठे हुए, ठीक है, या आप एरोप्लेन में बैठे हुए मान लो, ठीक है, तो एरोप्लेन जितना भी बड़ा हो उसका सारा कंट्रोल कॉकपिट में होता है, सारा कंट्रोल पायलट के हाथ में होता है। तो सेम जितनी बड़ी बॉडी, सारा कंट्रोल जो है अपने माइंड में है, पायलट हल्का सा एक्शन करेगा प्लेन अपनी दिशा बदल देगा, समझ रहे हो, हल्का सा एक्शन करेगा प्लेन अपनी डायरेक्शन बदल देगा। सेम ऐसे ही हमारा माइंडसेट है, माइंडसेट में हल्की सा छल-छल करते हैं, अपने थॉट्स के पैटर्न को हम चेंज करते हैं, अपनी दिशा हमारी अपने आप बदल जाती है फ्यूचर की। आज तक इवन हम जो भी हैं वो हमारे भविष्य के, सॉरी हमारे पास्ट के जो पैटर्न्स हैं उन्हीं का प्रमाण हमारे। कभी किसी आप IAS ऑफिसर से या किसी आप खुद डॉक्टर हैं, किसी IAS ऑफिसर से अगर आप पूछेंगे कि आप IAS ऑफिसर कैसे बने, तो वो पहले बताएगा कि हम IAS ऑफिसर बाद में बने, पहले अपनी खोपड़ी में IAS ऑफिसर बन चुके थे, शीशे के सामने हम जाते थे तो वो एटीट्यूड में हम जी रहे थे कि हम IAS ऑफिसर हैं, IAS ऑफिसर बन सकते हैं, तब जाके हम IAS ऑफिसर बन पाए। सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट का खेल है। तो क्या ये कहना सही होगा कि अगर कोई व्यक्ति अगर काम ना करे और फिर अगर सोचता रहे क्या वो बन जाएगा?
क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आपसे पूछा है। देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो अट्रैक्शन वर्ड है वो खुद ही एक्शन वर्ड से बना है, स्पेलिंग अगर आप देखो तो एक्शन वर्ड से अट्रैक्शन वर्ड बना है। अंतर सिर्फ इतना है, समझो ना बात को, हम एग्जाम्पल हमेशा देते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कोल्ड ड्रिंक का ग्लास है, ठीक है, आपके 5 मीटर की दूरी में कोल्ड ड्रिंक का ग्लास रखा हुआ है एंड आपसे बोला जा रहा है कि आप कोल्ड ड्रिंक का ग्लास कैसे दे सकते हैं, आपके दिमाग में तो आंसर आएंगे या तो हम भाई कड़ी मेहनत करें, खून पसीना बहाए, सब कुछ करें और हम जा करके कोल्ड ड्रिंक का ग्लास ले लें, या तो हम ऐसी एक पावर जनरेट करें अपने माइंडसेट से कि कोल्ड ड्रिंक का ग्लास खींचा चला है। दोनों ही ऑप्शन में आपको आपका ग्लास मिल जाएगा, लेकिन आसान वाला कौन है? सेकंड वाला कि हम ज्यादा कुछ मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेहनत कर रहे हैं, मेहनत हम अपने काम अपने माइंडसेट पर कर रहे हैं, समझ लो, मेहनत हम कर रहे हैं, मेहनत अपने माइंडसेट पर कर रहे हैं और वो चीज हमारी तरफ अट्रैक्ट होती चली जा रही है, ठीक है। कभी भी तो इस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अगर आप कोई भी काम करो तो कड़ी मेहनत से आपका काम 10 दिन में होगा, लेकिन अगर आप कड़ी मेहनत के साथ अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी अप्लाई करेंगे तो 10 दिन का काम आपका 2 दिन में हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत करना ही छोड़ते, बिल्कुल मॉन्क बन जाए ऐसे करें तो अपने आप चीजें आ जाएंगी, ऐसा भी नहीं, आपको एक्शन करना पड़ेगा, समझ लो। एक्शन करने के साथ साथ कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स है, आपको सेल्फ बिलीव करना पड़ेगा कि नहीं ये काम आप कर सकते हैं, तो ऐसे होता कि ऐसे आपके चांसेस वो काम होने के बढ़ जाते हैं, समझ लो। तो ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही काम करता है।